हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री स्टडी फॉर यू डॉट कॉम। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था ट्रांजैक्शन के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बिहेवियर के बारे में, किस तरह से आप बिहेवियर इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो ट्रांजेक्शन ये कुछ बनाया था, इसी में मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ, फिर हम लोग डिटेल्स में सीखेंगे। पहले मैं आपको इसमें अप्लाई करके दिखा, जैसे बिहेवियर में है, और बिहेवियर में आपको ये जो दिख रहा है ड्रिलिंग दिख रहा होगा और जंप एंड फेल, हाँ ये वाला इफेक्ट ये बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे मैं यूज भी करता था बीच में, जैसे ये आ रहा है अभी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप देख रहे होंगे कि ये फेड होते हुए आ रहा है, ये खुला और ये फेड होते हुए अचानक से आया। अब इसमें हम साथ ही साथ ये वाला इफेक्ट भी अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बिहेवियर एडेड, तो ये जो बिहेवियर है ये एडेड हो चुका है आपको, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको एक एरो टाइप का, इस पर आप क्लिक करेंगे देन आपको यहाँ पर दिख जाएगा जंप एंड फेल। तो ये जंप एंड फेल का बिहेवियर इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। अब अगर आप इसको आप डिलीट करना चाहते हैं या फिर कॉपी करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे, और देखो यहाँ पर कॉपी सिलेक्टेड इफेक्ट है और डिलीट है, या फिर हाइड प्रॉपर्टीज, आप इसको हटाना चाहते हैं तो हाइड कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को, और डिलीट करने के लिए आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, जो पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्रांजेक्शन बताया था, अगर उसको हटाना है तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे अप्लाई हुआ है, यहाँ पर दिखता है, इसी पर आपको क्लिक करना है और राइट क्लिक करके यहाँ पर डिलीट आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो डिलीट पर आप क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। फिलहाल हम लोग रहने देते हैं, और अभी अगर मैं इसी को दिखाऊँ आपको, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ टाइमलाइन को, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ओके। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये किस तरह से इफेक्ट अप्लाई हुआ है, ये आ रहा थैंक्स फॉर वॉचिंग है, और इस तरह से आपने देखा होगा कि काफ़ी बार आता है, और अगर मैं इसको प्ले करूँ तो आपको दिखेगा कि ये इस तरह से इफ़ेक्ट देता रहता है, काफ़ी बढ़िया लगता है, मतलब फोकस वहाँ पे हो जाता है। और भी इसमें बहुत सारे इफेक्ट हैं, जैसे आप देना चाहें कैमटेसिया का, स्पेशली बनाया गया है, जो इफेक्ट देने के लिए बनाया गया है वो बनाया गया है टेक्स्ट के लिए, लेकिन आप इसे चाहें तो आप वीडियोज़ वगैरह में भी दे सकते हैं, वीडियोज़ में भी अच्छे से काम करता है। अभी जैसे मैंने एक और दिया है यहाँ पर रिवील, तो देखो इसमें एक चीज़ क्या होती है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी कि जैसे मैं यहाँ पर बिहेवियर में दे रहा हूँ, तो यहाँ पर दो दो बिहेवियर अप्लाई हो चुके हैं, ऐसा नहीं है कि जो पुराना बिहेवियर है उसके ऊपर इसने ओवरलैप किया, इसने क्या करा एक और बिहेवियर कर दिया। अगर अभी मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो यहाँ पर दो दो इफेक्ट चलेंगे जो कि हम लोगों ने दिए थे। देखो एक तो ये इस तरह से गिरा, और दूसरा ये क्या था, रिवेल का था, रिवेल में क्या था हमारा, कौन सा दिया था हम लोगों ने, हाँ ये इस तरह से दिया था जो यहाँ से आ रहा है। और अगर पॉपअप वाला देखें, दो इफेक्ट में देता हूँ जैसे, और ये क्या है ये वाला, हाँ ये दे देते हैं, अभी तो तीन तीन इफेक्ट अप्लाई हो चुके हैं। तो इसमें ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना होता है कि जब आप देते हैं इफेक्ट तो काफ़ी सारे इफेक्ट एक साथ अप्लाई हो जाते हैं। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको जंप वाले को मैं हटा देता हूँ, जंप एंड फॉल को राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ, और अभी हम लोगों के दो इफेक्ट अभी भी बचे हुए हैं, तो अभी मैं आपको दिखाऊँ, तो देखो ये यहाँ से फेड होती हुई आ रहा और अचानक से ये गिर रहा है, अगर मैं दिखाऊँ ये कुछ इस तरह से आ रहा है, और इसके बाद बस यहीं पे रुक जाएगा। उसमें क्या था, जंप एंड फेल में गिरता था, उसके बाद ये इफेक्ट चलता रहता था कंटिन्यूसली, तो ये एक चीज़ उसमें होती थी। चलो ये तो था, हम लोगों ने टेक्स्ट में पहले से अप्लाई था, तो इसमें हम लोगों ने आपको अप्लाई करके दिखाया है, और अभी हम लोग वीडियोज़ में अप्लाई करते हैं। मैं कंट्रोल ये करके इसको डिलीट कर देता हूँ, और मीडिया हम लोगों ने पिछली वीडियो में यही निकाली थी, इसी में से मैं उठा लेता हूँ, ओके ये है जैसे हमारे पास। तो अब मैं एक्चुअली इसमें ऑडियो है, इसको राइट क्लिक करके सेपरेट ऑडियो, और इस ऑडियो को हम लोग कर देते हैं डिलीट, ठीक है। अब ये हो चुकी है बिना ऑडियो की। अब इसमें मैं अप्लाई देता हूँ, जैसे बिहेवियर में मैं आता हूँ, अब जैसे जंप एंड फेल में अगर इसमें दूंगा तो इसमें अलग तरीके से थोड़ी सी काम करेगा, टेक्स्ट की तरह काम नहीं करेगा। अब अगर मैं लाऊँ दिखाऊँ तो देखो ये थोड़ा सा इस तरह से काम कर रहा है, देखो ये हो रहा है पॉपअप टाइप का, और ये आप जैसे जब दे सकते हैं, जैसे कहीं आपको देखना है सब्सक्राइब के लिए देना है तो सब्सक्राइब के लिए आपने दिया, अब उसको आप जंप कराएं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जैसे अगर मैं दिखाऊं आपको, जैसे मैंने ये लिया, ठीक है, और मैंने लिखा यहाँ पे CLIC के क्लिक,
ठीक है, क्लिक किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को जंप एंड फेल को दे रहा हूँ। तो अब क्या करेगा ये, वहाँ पे जंप एंड फेल को ये दिखाएगा कि क्लिक हियर, यहाँ पे क्लिक करना है। और अगर इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा कर दूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ, तो इस टाइप का ये काफ़ी यूजफुल होता है। जब आपको जैसे पॉपअप दिखाना हो, पॉपअप शो कराना हो, तो वो बार बार पॉपअप होता रहेगा ताकि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए। जैसे क्लिक हेयर दिया, यहाँ पे सब्सक्राइब लिख सकते हैं, सब्सक्राइबर्स, या फिर आप अपनी लिंक दे सकते हैं। जैसे आप फेसबुक की लिंक देना चाहते हैं, यूट्यूब की लिंक देना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे शो कर दें। और जब वो जंप होता रहेगा तो क्या है, लोगों का अट्रैक्शन होगा, वहाँ पर ध्यान जाएगा कि हाँ यहाँ पर कुछ तो पॉपअप हो रहा है। तो इस तरह से आप दे सकते हैं, और वीडियोस वगैरह में भी आप दे सकते हैं। जैसे मैं वीडियो लेता हूं और यहां पर आप, जैसे मैं ये ले लेता हूं, कुछ अप्लाई नहीं होंगे। जैसे ये वैसे बनाए तो टेक्स्ट के लिए ही आए हैं, अब अगर वीडियो में लगाएंगे तो वीडियो में कई बार नहीं अप्लाई हो पाते हैं। देखो ये अप्लाई तो हुआ है, इस तरह से आया है। और मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। और अभी हम लोग देखेंगे दूसरा, ये फेड का, और दूसरा है ये रिल का, फेड का इफ़ेक्ट आई थिंक सही से आएगा। और अभी मैं अगर प्ले करके दिखाऊं तो देखो ये फेडिंग का इफ़ेक्ट आ रहा है, और ये काफ़ी अच्छा होता है। जब जैसे अगर वीडियो स्टार्ट हो रही ना, तो वीडियो के स्टार्टिंग में आप अगर ये लगा दे तो काफ़ी अच्छे से ये फेड होते हुए आएगा। जैसे ये हो रहा है तो ऐसे वीडियो एकदम से चालू हो, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट चालू हो गई तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। अगर फेड होते हुए चालू हो रही है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप इफ़ेक्ट दे सकते हैं, और जब बंद हो रहा हो जैसे लास्ट में है, तो वीडियो के लास्ट में भी आप इस टाइप का इफ़ेक्ट दे सकते हैं। और बिहेवियर में काफ़ी सारे आपको ये मिल जाते हैं, तो इन सबको आप देखिए और टेक्स्ट में यूज करिए। स्पेशली ये वैसे टेक्स्ट के लिए बनाए गए हैं, तो आप टेक्स्ट में यूज करके देखिए, और साथ ही साथ आप वीडियो में भी यूज करके देखिए। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखेंगे एनिमेशन के बारे में। एनिमेशन बहुत ही अच्छा इफेक्ट है और ये आपको लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइनिंग ऑफ।